पर इस कल युग में क्यों सकल दखानी छोड़ दई ईश्वर इस कल युग में हे ईश्वर इस कल युग में तू शक्ल देखाई और ते नजर सने तेरे को क्यों मानस की खोल ले इस कलयुग में क्यों शक्ल दिखानी छोड़ दई जैना दर्शन देने थे तक क्यों मानस की खोड़ दई। एक तरफ न्यू करा कि जितनी भी खलकत माया है इस पृथ्वी को पर जितनी भी ये जीव आत्मा है ये सारी मेरी है। अगर परम पिता परमात्मा हे प्रभु ये सारी आपकी है बेटा बेटा भाई तो पर इनमें फर्क क्यों डाले आपने देखना गौर करियो इस वजन को ऊपर हर कली में चार लेने पांचवा तोड़ है एक एक बात इसी फिट उठा रखी है पंडित जी ने लेकिन एक बार गौर करना अब वो कवि उस मालिक को क्या कहना चाहता है पहली कली में क्या लिखा साफ लिखा से पाप बढ़िया उतार धरूं ईब तलक न आए भगवान और कितना इंतजार करूं इससे कारण निराकार का मैं करता प्रचार फिरूं निवेरा लोग कहे साकार तने बता किसके टक्कर मार मरूं असली अपना रूप दिखा दो या क्यों तने दुनिया जोड़ दई जैना दर्शन देने थे तो क्यों मानस की खोड़ दई निवेरा दर्शन नहीं देने थे तो प्रिया मानव की खोड़ क्यों दई। अरे जितनी खलकत माया न्यू का मेरी है अगर तेरी है तो इसमें फर्क क्यों डाले आपने लोगों गौर करियो ये इंसान बनाया इनमें भी फर्क डाल दिया दो तरह के इंसान बनाए और इनका जोड़ा बना दिया एक निर्बल एक बलवान एक मूर्ख एक विद्वान
एक निर्धन एक धनवान। हे प्रभु दोनों तो आपने, ये भी आपकी संतान है लेकिन इनमें फर्क डाल दिया आपने, इनको एक समान क्यों नहीं रखते। लेकिन यहाँ कर्मों का पासा है। क्या कहता है कवि दूसरे कली में, क्या लिखा है? सब पढ़ना चाहते हैं, विद्या सब पढ़ना चाहते हैं। गौर करियो निवरा के कहा विद्या। कौन आदमी नहीं चाहता कि मैं विद्वान बनूं, लेकिन यहां जोड़ा बना दिया एक मूर्ख का एक विद्वान का। एक न बेरा है नहीं, एक न कोई अक्षर ज्ञानी, अरे कई कई डिग्री लिए अंडे, उसका अहंकार फिट कर दिया और वो भजन बंदगी में लीन। गौर करियो क्या लिखा, निवल्या विद्या सब पढ़ना चाहते हैं, विद्या सब पढ़ना चाहते। क्यों मूर्ख विद्वान रचे, किसने इच्छा नहीं ताकती, क्यों निर्बल बलवान रचे, किसने इच्छा ना माया धन की, क्यों निर्धन धनवान रचे। ईसा सामर्थ ओ के प्रभु तन तो डाला इंसान रचे, ईसा सामर्थ ओ के प्रभु तन तो डाला। अरे या दहा के प्यार करो, आधा के कैसे भजन करे, ये वो नर कैसे भजन करे, तन जिन की किस्मत फोड़ दी, वो जैना दर्शन देने के प्रेमी हसनदीप तवर साहब अपनी सुबनी कमाई में से 101 रुपए पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। और देखिए बहुत दूर से चल के यहां पर आ रहे हैं मेरे भाई,
एनके स्टूडियो, भाई भिवानी से भी आगे थे भाई नरेश शर्मा जी। देखिए ये आज का जो कार्यक्रम इस खोड़ गांव में जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे भाई एनके स्टूडियो वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और एक दूसरा चैनल है डीएस म्यूजिक, देवी शक्ति म्यूजिक। ये कार्यक्रम दो दिन के बाद में आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे एनके स्टूडियो या डीएस म्यूजिक, आपको यूट्यूब के ऊपर ये कार्यक्रम मिलेंगे। मेरे भाई इन्होंने बहुत साल हो गए सांग आला भजन रागनी चुटकले जो भी हरियाणी संस्कृति के जितने भी कार्यक्रम सारे अपलोड कर रखे हैं। और भाई यहाँ भी देखो अपना फ्री योगदान दे के आए, फ्री योगदान के लिए आए हैं। एक बार भाई मैं ताली बजा के स्वागत चाहूंगा भाई के लिए। जहां भी जो कार्यक्रम होता है वहां पर ये अपना कैमरा लगा लेते हैं। आइए तीसरी कड़ी में पंडित जी ने क्या दर्शाया। विडंबना है, तीन कली एक तरफ और ये चौथी कली, इसमें कवि ने बताया कि आज इस कलयुग में इंसान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक बार सोच के भी सोचना इस बात ने। अरु सुमानस ने यूं कह दे रहा मालिक ने मौत करा की तरह, और वो के कहेगा निविला मैं मालिक ने नहीं जानता कौन मालिक है क्या मालिक है, ये मेरे नसीब में था इसने कोई खोज से नहीं सकता। वो जो कहा मेरे नसीब में तो खोज के दिखाओ। हर एक तरफ एक गरीब आदमी धूम बत्ती लाए बैठा रहे, तेरी भजन बंदगी करे तेरी इबादत करे, आज देखे उसका दो टाइम का रोटी का प्रबंध नहीं, क्या अजीब माँ है प्रभु। क्या लिखता है चौथी कली में देखा असली भगत गुलाम देख देख के अवय चंबा सोच सोच करे काम तेरा इसी फिक्र में हर दम रहता सेवक ज्ञानी राम तेरा इसी फिक्र में हर दम तेरा तन जाए ब्राह्मण को दही।